So there are four particles and they are kept at the vertices of a square. ठीक है, and the side of the square is a. तो अभी आपको यहाँ निकालना है potential energy of the system of this particle. तो सबसे पहले आप number of pairs निकाल दो, वो होगा n into n minus 1 by 2. n मतलब number of particles, वो चार है. ठीक है, तो वो हो जाएगा 4 into 4 minus 1 by 2, ये आएगा 6. यानी 6 pairs बनने वाले. तो चार pair तो अपने को डायरेक्टली दिख रहे हैं, जैसे ये, ये, ये वाला और ये वाला, ये चार दिख रहे हैं. और दो कौन से बच गए, चिरल वाले. सही है, तो ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे यू सिस्टम, तो यहाँ पे जो पहला पेयर है एम और टू एम का, उसका होगा माइनस जी एम इंटू टू एम बाई ए, ये हो जाएगा पहले पेयर का. दूसरे का हो जाएगा माइनस जी टू एम इंटू फोर एम बाई ए, समझ में आपको. और तीसरा पेयर वो नीचे वाला, उसका हो जाएगा माइनस जी फोर एम इंटू थ्री एम बाई ए. और चौथा क्या होगा, माइनस जो फोर्थ पेयर है वो होगा थ्री एम इंटू एम बाई ए. ये तो चार पेयर्स हो गए, समझ में आ गया आपको. और दो जो है वो डायगोनली अपोजिट है, तो पहला डायगोनल ले लो आप, उसके लिए आएगा माइनस जी एम इंटू फोर एम, और वो डिस्टेंस कितना दोनों के बीच का, वो है रूट टू ए. और फिर लास्ट वाला माइनस जी थ्री एम इंटू टू एम, और फिर से डिस्टेंस क्या है, रूट टू ए. इसको जब आप सम करोगे तो आपको इस सिस्टम को क्या मिल जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगा इनिशियल. सही है, तो उसी तरह से हम लोग यू फाइनल निकाल सकते हैं इस सिस्टम का. सिर्फ हमें एक जगह डालना होगा 2a, और यहां पे हमें डालना होगा तो 2a और 2a, 2a का स्क्वायर, तो 2 रूट टू आ जाएगा, और फिर हम निकाल सकते हैं यू फाइनल. सही है, अगर हमें वही सवाल करना है तो. समझ में आ गया आप लोगों को. और वैसे ही फिर वर्क डन बाय एक्शन लेजेंड क्या होगा, डेल्टा यू, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, और वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स होगा नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी. समझ में आ गया आपको.